हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबको कहूँगी हैप्पी मदर्स डे। तो आज है मदर्स डे और ये वीडियो एक दिन या दो दिन शायद बाद में जाएगा, है मदर्स डे है। तो आज मदर्स डे के दिन मैं अभी अपने दादाजी से, दादी माँ से मिलवाऊंगी, और मतलब सासू माँ ना, मेरी सासू माँ जो है वो वीडियो में मतलब आने में थोड़ा सा नहीं आती है। मैं उनको बोलती हूँ कि आइए वीडियो में आइए एक बार, तो नहीं आते हैं। तो देखती हूँ, अगर वो मान गए ना तो वीडियो में मैं उनको ले आऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डुग्गू बैठा है, ये देखिए डुग्गू। और डुग्गू का ना दो दिन से जो है तबीयत ख़राब है, तो अभी इसको देख सकते हो, उसका मुँह कितना सूख गया। बाबू को उठा, हाय करो। और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे दादाजी बैठे हैं, दादी माँ बैठी हैं। और मैं क्या बताऊँ दादाजी का बात, ये दो दिन तक ना कुछ भी नहीं खाए थे, कुछ भी नहीं, है ना दादी, कुछ भी नहीं खाए थे ना दो दिन, तो कुछ भी नहीं खाए थे। और ऐसा लग रहा था, हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग जब भी जाएंगे और दादाजी को देख नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी सही है, मतलब आठ दिन से तबीयत इनका ख़राब रहा और अभी फ़िलहाल ठीक है। और अभी खाना बस खाते हैं, थोड़ा सा इतना सा चावल खाते हैं और एक ही रोटी खाते हैं। तो अभी इनको देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल ठीक है। ठीक लग रहा है बाबा, अभी ठीक हो आप? ठीक हो, अभी ठीक लग रहा है? हम लोग को बुला लिए दिल्ली से, आप बोल रहे थे आ जाए देखेंगे, तो अभी ठीक हो ना आप? ठीक है। तो अभी फिलहाल दादाजी ठीक है और हम लोग भी अभी यहाँ पे मतलब आ गए ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना माहौल थोड़ा सा ख़राब था, इसी वजह से हम लोग भी आ गए। और जहाँ हम लोग मतलब रहते थे ना, जहाँ जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे बहुत सारे जो है जितने मतलब कोरोना पॉजिटिव निकले थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे भी आ गए। तो यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, गांव में है कोरोना, मतलब बाहर जो जाते हैं वहाँ पे है, तो यहाँ पे तो बाहर निकलना नहीं होता है। मार्केट वगैरह जो है दिन में एक ही बार जाना पड़ता है, तो बस यही है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन रुकेंगे जब तक ये बीमारी अभी ठीक नहीं हो जाता है तब तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक सदस्य मिलाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये भी हमारी दादी जी लगती है। तो ये ना मेरी अपनी जो दादी जी है ना, उनकी जेठानी है। तो एक हिसाब से जो है, तो एक हिसाब से जो है ये भी मेरी दादी जी लगती हैं। केला है, यहाँ देखिए। तो इनका भी एज जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनका भी ना तबीयत जो है बार बार ख़राब होते रहता है, तो अभी फ़िलहाल ये भी ठीक है। दादी जी कैसे हो? ठीक हो? मतलब इनको ना थोड़ा सा जो है कम सुनाई देता है, तो इनको मतलब चिल्ला के बोलेंगे ना फिर सुनाई देगा। दादी जी बाय करिए, बाय। और ये वाला क्लिप जो है ये फ्राइडे का है। तो अभी जो है मैं नहा के आ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ, और देखिए कपड़े जो है अभी मैं सही करूँगी, क्योंकि कल मैं आई ना और बहुत ज़्यादा जो है मैं थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं ना सो गई और फिर आज अभी मैं सुबह उठी थी और फिर जल्दी मतलब सुबह का सारा काम करके यहाँ पे मतलब ज़्यादा काम हो जाता है, तो अभी 9 बज गया है और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा इस घर को, जो रूम है ये हम लोग का जो बेडरूम है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा सफाई करूँगी और किचन की सफाई, मतलब जितना सासू माँ ना सारा सामान जो है मतलब इधर उधर करके रखती हैं, ऐसे ही रखती हैं वो, तो मैं थोड़ा सा सामान जो है अच्छी तरीके से रखूँगी, मतलब मुझे जैसा पसंद है तो वो ना उनको जैसे मतलब पसंद आता है वैसे, जहाँ सामान रखने का रहता है वैसे ही रखते हैं, और मैं थोड़ा जो है अपने तरीके से रखूँगी किचन में। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मतलब नाश्ता तो बच्चे कर लेते हैं, मुरमुरे जो होते हैं वो, उसमें
आलू चॉप होता है ना, वो डाल के खा लेते हैं या मिक्सचर डाल के खा लेते हैं, तो ऐसे ही खा लेते हैं बच्चे सब। तो अभी नाश्ता उन लोग का हो गया है, तो पहले मैं भी जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद जो है फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी, और हाँ आप लोग वहाँ पे मैं रहती थी ना, तो बहुत जने मुझे बोलते थे कि दी आप साड़ी पहनिए साड़ी पहनिए, तो वहाँ पे ना साड़ी पहनने में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, तो मन भी नहीं करता है साड़ी पहनने का। और यहाँ पे ससुराल में रहती हूँ तो यहाँ पे तो साड़ी पहनना ही पड़ेगा, तो आज मैंने जो है ये वाला साड़ी पहन लिया है। तो अभी मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ, तो चलिए पहले अभी मैं किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है ये कोयला जला रहे हैं, तो मुझे ना, मैं जब जलाती हूँ ना कोयला, तो मैं एक बार से ना मेरे से नहीं जलता है, तो सासू माँ अभी नहाने गए हैं इसी वजह से ये जला के दिखा रहे हैं कि कैसे जलाते हैं। तो बस मतलब अभी, और गैस भी नहीं है अभी इस टाइम, तो गैस फिनिश है, तो सासू माँ जो है अपना लकड़ी में या कोयला में ही खाना बनाते थे, और अभी भराएंगे गैस। तो अभी दुकान वगैरह जो है 10 बजे यहाँ पे खुलता है सारी दुकानें, तो अभी भराएंगे अभी। तो बस ये अभी कोयला डाल देते हैं, पहले तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, फिर जो उफले होते हैं ना गोईठा, तो इसको कहीं कहीं गोईठा भी बोला जाता है, उफले भी बोला जाता है, तो वो डाल देते हैं। उसके बाद जो है कोयला डाल देते हैं, और फिर ये कोयला थोड़ी देर बाद ना जल जाएगा, अभी थोड़ा सा धुआँ होगा उसके बाद जल जाएगा। और अभी ये देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरा आधा खाना जो है बन गया था, दाल चावल मेरा बन गया था, और अभी मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी, तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, बस थोड़ा सा ही मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो यहाँ पे ना मैं लोबिया की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो पहले मैं लोबिया को थोड़ा सा जो है भून लेती हूँ, उसके बाद इसमें आलू और टमाटर डालूँगी और मसाले डालूँगी। और अभी मेरा सारा दोपहर का खाना जो है बन जाएगा, तो बस अभी मैं इन सबको खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे ये देखिए ये जो क्लिप है ना, ये उसी दिन का है दोपहर का, तो आप लोग पूछ रहे थे ना, एक बार मैं बताई थी शादी की तैयारी का मैं जो वीडियो डाली थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि किसकी शादी है, तो ये है मेरी ननद, रीना नाम है इनका, तो ये मेरे ससुर जी के भाई की बेटी है, तो मैं इनको अभी थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ। तो इनको ना अभी जो है लड़के वाले आएंगे देखने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब सिंपल सा ये साड़ी मैंने पहना दिया है, और थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ, तो बेबी क्रीम वही सब मैं लगा देती हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं, बस थोड़ा सा सिंपल। और मतलब आप लोग, ये अभी इनकी शादी अभी होगा कोई पता नहीं, अभी लड़के वाले आ रहे हैं देखने, अभी आज फर्स्ट बार आएंगे देखने के लिए, उसके बाद बस अभी मैं इनका पूरा कंप्लीट कर देती हूँ मेकअप, और अभी इनको जल्दी जल्दी अभी मैं मेकअप कर दे रही थी, क्योंकि लड़के वाले जो है आ चुके थे, बस वो नाश्ता वगैरह वो कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए डुग्गू, डुग्गू जो कोई भी बकरी का बच्चा यहाँ पे रखते हैं ना सब लोग, तो यहाँ पे बच्चे को उठा लेता है, गोदी ले लेता है, इसके साथ खेलते रहता है, तो दिन भर डुग्गू ना शांत से जो है बैठता नहीं है। तो ये 2 दिन पहले का क्लिप है, इसी वजह से अभी डुग्गू ठीक है, फिर 2 दिन बाद इसको मतलब बुखार आ जाता है, तो अभी इसका बुखार अभी है। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जो है हवा आंधी आ रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ दादी जी के घर के सामने, तो बारिश आएगा अभी बहुत ज़्यादा, अभी आंधी आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, हवा आंधी जो है ख़त्म हो गया था, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए डुक्कू खेल रहा है, इन बच्चों के साथ खेलते रहता है, और यहाँ पे मनीषा भी बैठी है, गोलू भी बैठा है। और हाँ आप लोग पूछ रहे थे ना कि गोलू कहाँ है, तो आपका बेटा गोलू को क्यों नहीं दिखाते, वो भी यहीं पर है हम लोग के सामने, जहाँ मनीषा बैठी है वहीं पे गोलू भी बैठा है, तो वो भी अभी खेल ही रहा है। तो अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, और यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा थोड़ा जो है बारिश आया, आंधी आया, उसके बाद ना लाइट भी चला गया, और यहाँ पे ना लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा जाता है, तो
तो फिर मुझे ना अभी जो है अंधेरे में खाना बनाना पड़ रहा है। तो खाने में ना मैं अभी आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो मैं सिंपल तरीके से भुजिया बना रही हूँ, इसी वजह से ना मैं रेसिपी जो है अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।